क्या है कि ऐसी शादी की तैयारियां चल रही हैं कि इतने सारे कपड़े पहना दिए गए हैं। ये मोमेंट पे तो मिलना जरूरी था ना, साडे भरा दा व्याह। क्या है कि मेरे को एक बात समझ में आ गई घर बनाते बनाते कि लड़कों के लिए घर बनाना थोड़ा सा एक्स्ट्रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से मैं अभी थोड़ा सब्जी वब्जी लेने जाता हूँ तो हमारे को क्या होता है कि सब चीजें बड़ी पसंद आ जाती हैं। सब चीजें मतलब कोई भी ऊपर से ऐसे दिखेगा हम कहेंगे हाँ यही सब्जी दे दो, और खुद भी छांटेंगे वांटेंगे नहीं। जैसे मैं सब्जी लेने जाता तो मैं बोलता हूँ कि यार थोड़ा अच्छा अच्छा देख के दे देना। अब जाके मेरे को समझ आ रहा है मम्मी जो टोकरी में से ऐसे आधा घंटा लगा के 5 टमाटर निकालती होती थी वो क्यों जरूरी होते थे, कौन से टमाटर अच्छे हैं कौन से आलू अच्छे हैं, हमारे को घंटा नहीं समझ में आता। कोई नहीं जी, धीरे धीरे सीख रहे हैं, सीखते सीखते आगे बढ़ते जाएंगे। और वैसे हमारा किचन थोड़ा सा सेट हो गया, वो दिखाते हैं। ये जो ट्रे हमने बनाई थी वो यहाँ पर लग गई है, ये मसाले वसाले यहाँ पर लग गए हैं, तो आई थिंक ये वाला एरिया भी काफी अच्छा हो गया है। बस अभी ये वाला एरिया बहुत ही खाली है। सोचो ना कि यहाँ पर बैठने के लिए हमारे को ये पैनियर रखने पड़े हैं कि पैनियर के ऊपर बैठ सके और इस व्यू का एंजॉय कर सके, नहीं तो बार बार अंदर से चेयर निकालनी पड़ती है, वो बड़ी गड़बड़ हो रही है। तो यही सीन है, बाकी कपड़े बहुत इकट्ठे हो रहे हैं, इसलिए मेरे को लग रहा है घर में काम वाली ढूंढने से अच्छा कि वॉशिंग मशीन ले आई जाए। अच्छी बात यह है कि बारिश नहीं हो रही, इसलिए बाहर निकलना थोड़ा सा आसान हो जाता है। और काफी लोग बोलते हैं कि थोड़ा साउंड में दिक्कत आ रहा है, क्या हो रहा है कि हमारे को जब शॉपिंग करनी होती है तो मॉल में कैमरा अलाउड नहीं होता, तो इसलिए हमारे को मोबाइल से शूट करना पड़ रहा है वहां पर जाके, तो थोड़ा सा साउंड में दिक्कत आ रहा है। आई नो, जब मैं भी एडिट कर रहा होता तो उस टाइम पे ऐसा फील हो रहा होता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी अभी ये चीजों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि ये यहाँ पर लग कैसे रहा है, इसको यहीं पर रहने दिया जाए या कहीं और किया जाए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अरे यार ये क्या हो गया, तो बाहर बारिश शुरू हो गई है यार। यहाँ की एक कहावत है ना, डायरेक्टर की बात और मुंबई की बरसात पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो यही, अब थोड़ी सी बारिश रुकेगी तभी जा सकते हैं, उससे पहले तो जा नहीं सकते हैं, तो क्या ही कर सकते हैं, तो घर पर बैठते हैं। पर आपसे पूछ लेते हैं जी, इस बारिश के साथ कितना हो जी? सारे बढ़िया, आपा बहुत बढ़िया। बारिश रुके तो जाना पड़ेगा बाहर, सामान वामान फटाफट लेके आना पड़ेगा। और एक प्लान और है जो एक दो दिन में हमारे को ट्रैवल करना पड़ेगा, वो आपको फिर बताते हैं, पहले थोड़ा सा आनंद ले ले। वॉशिंग मशीन हमारे को समझ तो आ गई है, पर सिर्फ कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि 6.5 kg ली जाए या 7 kg ली जाए, ये नहीं समझ आ रहा हमारे को। और फिर उसके बाद जब हमने यहाँ पर ऑफर पूछे तो ऑनलाइन ज़्यादा ऑफर दिख रहे हैं हमारे को। काफ़ी वॉशिंग मशीन है जिसपे ऑनलाइन अगर हम बुकिंग कर रहे हैं तो 10% कैशबैक आ रहा है, तो हमने सोचा कि ऑनलाइन बुक करते हैं इसको, यहाँ पर से देख लिया जो भी हमारे को पसंद आई है, या ऑनलाइन बैठ के कंपेरिजन करके फिर वो पसंद करेंगे। बाकी थोड़ी सी हमारे को शादी के लिए शॉपिंग करने की कोशिश, मैंने बता दिया, तो हमारे को शॉपिंग करनी है पहले, तो वो थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे जी। वॉशिंग मशीन को ऑनलाइन ही बैठ के ऑर्डर करना पड़ेगा, अभी तक तो यही समझ में आ रहा है कि उधर थोड़ा ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ के मुकाबले। शॉपिंग वॉपिंग हो गई है, पर बारिश में ऑटो मिलना बड़ा मुश्किल है। पर ये हमारे ऑटो वाले भैया फुल ऐसे भगवान बन गए, शुक्रिया मेरे दोस्त। अभी आपको बोला ना वो शादी की तैयारियां चल रही हैं, तो शादी का सूट वूट देख के आना, तो इसके लिए निकले हैं, तो इम्पोर्टेंट काम वही है। बाकी मजाक मजाक में ये खर्चे हो गए हैं, ये खर्चे हो गए, क्या ही कर सकते हैं। चलो भैया, और जब बारिश होती है तो सब जगह ऐसे ट्रैफिक जाम हो जाता है, यही है सीन। कुछ कलेक्शन हमारा शुरू हो गया है, बहुत सारा कलेक्शन हमारे आसपास नजर आ रहा है, तो अभी कुछ फाइनल होगा तब हम आपको बताएंगे। हमारे को अभी तक तो ये ठीक लग रहा है। देखो हमारे को ऐसे ऐसे कपड़े पहना दिए गए हैं विवेक जी द्वारा। हाय एवरीवन, कैसे हो? एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। क्या है कि ऐसी शादी की तैयारियां चल रही हैं कि इतने सारे कपड़े पहना दिए गए हैं, तो हमारे को कैसे कैसे कपड़े पहनाए गए हैं? तो हमारे किसके पहले बता दो, वो हम नहीं बता रहे, वो बाद में बताएंगे आपको जब शादी। इंटरेस्टिंग कपड़े हमारे को यहाँ पर देखने को मिले, ये कलर सोचो ना, ये कलर पहन के मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अच्छा तो लग रहा है पूरा, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, अच्छा कलेक्शन है हमारे को यहाँ पर। Thank तो कुछ you. फाइनल करते हैं फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। हो गए और अब जाके घर पहुंचे, और बारिश अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही। नूर के पास पहुंचा था और कैमरा निकालने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि पॉलिथीन में पूरा ऐसे पैक करके निकले हैं, कहीं इक्विपमेंट ख़राब ना हो जाए, तो इसीलिए अब घर पहुंचे हैं, घर बैठ के खाना वाना खाएंगे। बाकी का जो सिचुएशन है वो आपको कल बताएंगे, आज का ब्लॉग मेरे को लगता आधा अधूरा रह जाएगा अगर आपको आधी कहानी बताई तो।
अरे 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 बारिश रुक जा भाई रुक जा, कितना कितना बरस हो गए। दो दिन हो गए बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और हमारे को समझ में नहीं आ रहा किया क्या जाए। मतलब जितने भी हमारे काम थे हमारे को बाहर निकल के करने थे, कुछ चीज़ें जो घर पर पहुंचनी थी वो सब चीज़ कहीं ना कहीं रास्ते में अटक चुकी हैं। हमारी टिकट हो गई है जाने की और उठे भी आज इस बारिश के साथ है। ऐसा नहीं है कुछ अलार्म लगाया या कुछ किया, सीधा बारिश का साउंड आया और मैं सुबह उठ के सोच रहा हूँ अरे यार ये बारिश अभी तक रुकी नहीं है क्या। सीरियसली नहीं रुकी है और जितना कल धुआंधार हो रही थी उससे भी ज़्यादा धुआंधार आज बारिश हो रही है। यही सीन है, सीन क्या है जी कि हम तो चले जाएंगे कुछ दिन के लिए शादी के लिए, बट हमारी बंजारन ऐसे बारिश में भीगती रहेगी जिस तरीके से बारिश चल रही है, इसलिए हम उसके भी कपड़े ले आए हैं। क्योंकि अगर बंजारन ने मोहब्बत देनी बंद कर दी तो बहुत खर्चा हो जाएगा, तो हमने सोचा ये खर्चा कर लेते हैं जी। 380 रुपये का आया और काफ़ी मोटा है, मतलब वो जिससे ख़रीदा उसने बोला 3-4 साल चल जाएगा, पर 3 महीने चल जाए, बारिश 3 महीने की है तो 3 महीने चला लेते हैं इसको, थोड़ा लगा देते हैं। तो फाइनली जी ये हो गया है, मोटा मोटा हो गया कि पानी नहीं जाएगा इसके अंदर, सबसे अच्छी बात यही है जो हमारे को टेंशन हो रही थी। थोड़ा रिस्क तो खत्म हुआ है और बंजारन भी थोड़ा प्यार मोहब्बत से रहेगी, जगह फिक्स हो गई है, ये पेड़ के पास हम इसको लगा देते हैं ताकि, क्योंकि हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा बाइक बार बार निकालनी होती है इसलिए यहाँ पर लगाया। पर बारिश 3-4 दिन से अभी भी हो रही है हल्की हल्की बारिश, तो हमने सोचा फटाफट ला के इसका कवर लगा दिया जाए ताकि हम टेंशन फ्री हो जाए। अब जाके पैकिंग करते हैं, कपड़े पहुंच गए हैं, बस अब इसकी पैकिंग करनी स्टार्ट करनी है क्योंकि वही सबसे टफ जॉब है और रात की फ्लाइट है, रात को निकल जाएंगे। कौन कौन निकल रहा है वो आपको रात को ही पता चलेगा। फाइनली जाकर पैकिंग वैकिंग सब डन हो गई है जी और घर से निकल रहे हैं हम सीधा एयरपोर्ट के लिए। अगर एक ब्लॉगर को जाना होता ना ट्रैवल के लिए, उसको 100 चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, लैपटॉप का चार्जर, हार्ड डिस्क, कार्ड रीडर, कैमरा की बैटरी, ड्रोन की बैटरी, इतना कुछ सोचना पड़ता है ना कि जाते जाते भी ना 15 मिनट उसको एक्स्ट्रा बैठना पड़ता है कि कहीं कुछ भूल तो नहीं गया। क्योंकि कपड़े तो मिल सकते हैं, इक्विपमेंट अगर रह गया ना तो सब गड़बड़ हो सकती है, इसलिए बड़ी सोच समझ के बड़ी मेहनत करके पैकिंग हुई है, सब डन हो गया है, खिड़कियाँ बंद कर दी गई हैं, अब निकलते हैं। देखो जी फाइनली जाकर हम एयरपोर्ट पे पहुंच गए और शादी हो और शादी में दोस्त ना हो तो कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है भाई, कैसे कि दोस्त सारे इतने दिनों बाद। हां भाई तुम भी दे दो अपना, कैसे हो? हां हेलो नमस्ते, वेलकम। एक्साइटेड है शादी के लिए? पर इससे बहुत दिनों के बाद दोनों से मिला हूँ, इतना अच्छा लग रहा है। मेरे को बोलते पतला हो गया, पतला तो हो गया है बीमारी में। मैंने मिलते हुए क्या बोला? बदला बदला से लग रहा है, पराया से लग रहा है, पराया से लग रहा है। और पूनम मेरे से पूछ रही शादी में क्या कपड़े पहनोगे, तो मैंने क्या बोला जैसे थोड़ा ग्लैमर होना जरूरी है। वैसे हमने प्लान बहुत किया पर मुंबई की बारिश ने हमारे को मिलने नहीं दिया आपस में, नहीं तो दिल तो बहुत था। और घर ले लिया तो घर के पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, हाउस वार्मिंग पार्टी में घर लिया है, यहीं से 1 घंटे मिल जाता है कि शादी किसकी। बिल्कुल बिल्कुल, ड्रीम टूर पे कौन जाने वाली है साथ में? ओहो ओहो, ऐसा हो कि सब हमारे पे शक किए होंगे, हमारे असली गुनहगार थे निकले, असली गुनहगार ये थे। क्या लगता है किसकी शादी होने वाली है? क्या लगता है? क्या पासवर्ड है इसका? इतना लगा रही है इसको, 00 पासवर्ड होता है, देख इसका क्या है पासवर्ड? 00 ना, ट्रिपल बता इसको क्यों लॉक करते, सबको पता है ये पासवर्ड क्या है, यही शून्य है, यही टीवी है, यही शून्य है। आहा, क्या सुर दिए मेरे बेटा तुमने, ओहो हो हो, इतना अच्छा सुर लगाया इन्होंने। सही कह रही, मैं इसके साथ नहीं हूं। तू मेरे साथ नहीं है? नहीं। इसको भेजो घर पे, मैं तो शादी दोस्त। हां फिर ठीक है, मैं चाहिए ऐसा। बिल्कुल, तुम हमारे साथ हो, ठीक है। ये चौथी पार्टनर है, किसकी शादी है? इसकी। फिर किसकी है? देखो अगर हमारी शादी होती तो लोगों को पता ही चल जाता, तो लोगों को पता ही तो लगा रहे हैं। तो लड़कों ने खाना वाना खा लिया, अब लड़के में आ गई एनर्जी, अब एनर्जी आ गई, बोल करना क्या है, बोल करना क्या है, ये ठीक है बस यार। आप
करना कुछ नहीं है, बस सिर्फ इंतजार करना है मेरे को फ्लाइट पे बैठने का। पर कैसा लग रहा है तेरे को आज? अरे यार इतने दिनों बाद मिले हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है ना, ये मोमेंट पे तो मिलना जरूरी था ना, कि अगर इस मोमेंट पे भी साथ नहीं हुए तो इतने दिन तो साथ रहे। ये तो बहुत स्पेशल मोमेंट है लाइफ का यार, लाइफ का ये ऐसा मोमेंट है जो बार बार नहीं आता और क्या है कि नहीं, शादी एक बार होती है। और क्या, तो घर वाले अब पहुँच गए हैं तेरे भी मेरे भी, सब घर वाले पहुँच गए सारी ब्रो। इतने कई लोग कमेंट करेंगे ओवर एक्टिंग करते हैं ब्रो, शादी की बात है ओवर एक्टिंग नहीं है, दिल की बात है जो निकल रही है पूरा ओवर एक्टिंग। लोगों ने ओवर एक्टिंग पे ही अपने को सब्सक्राइब किया है, लोग वही देखना चाहते हैं, वही वही मोहब्बत है आपकी। हाँ। कि कितना नेचुरल है, कितना कितना ट्रेडिशनल है, नेचुरल है, ट्रेडिशनल है, नेचुरल है। और हमारे ब्लॉग में अगर शिनानिगंस नहीं होगा तो फिर मजा नहीं आएगा। कहाँ जा रहे हैं हम इनसे पूछते हैं। अरे सुनो सही, लड़कियों सुनो एक बार पलटो, पलट हम कहाँ जा रहे हैं, क्या है वेडिंग, समझ रहे हो? अगर किसी से वेडिंग शिनानिगंस एक बार में बोला गया हमने याद कैसे किया? शी शी नानी कर। आज सबसे खासियत ये है कि आज हम चार लोग हैं और चारों लोगों की विंडो सीट है, एक भी बंदे के साथ, एक भी बंदा साथ के लिए हमेशा, नहीं तो हमारी लड़ाई कौन था जिसने वेब चेक इन किया, मतलब जिससे भी टिकट कराई उसने हमारे को वेब चेक इन करके दिया, पर चारों की अलग अलग विंडो सीट, हमेशा हम लड़ते रहते हैं कि विंडो में चारों हम एक साथ में बैठेंगे, कन्विंस करते हैं, हमारी कन्विंसिंग पावर दिखेगी, हिंदी बेटे अंग्रेजी बेटे। सीटबेल्ट का संकेत बंद होने तक कृपया आप अपनी कुर्सी की बेटी बांधे रखिए। मारो राजस्थान, पधारो मारे देश। राजस्थान जन्मभूमि ऑफ द फेमस, वेरी फेमस पर्सनालिटी सत्या सगड़, है ना, जन्मभूमि में आ चुके हैं हमारे को। जब अपना पासपोर्ट बनवाना है तो हमारे को जयपुर में आके अपॉइंटमेंट मिली थी, हम जब आप जयपुर पहुंच गए, इसका मतलब तो पर्सनली बात होता हूँ, मुंबई से जयपुर आए तो फील पता नहीं लग रहा, क्योंकि जब मुंबई में निकले तो बारिश हो रही थी, यहाँ पर पहुंचे तो बारिश नहीं है यहाँ पर, और बारिश थी तभी तो पूरा गीला है, तभी तो पूरा गीला है, और जहाँ जहाँ जाता है बारिश साथ ले लेके जाता है। तूने राजस्थान में बारिश करवा दी? ओके, यही है शादी के टाइम पे बोलते हैं, पता नहीं चला बाहर मौसम ऐसा था, पर एक बात बताऊँ, शादी में बोलते हैं कि जिन्होंने कढ़ाइयाँ कढ़ाई या चमचे ज़्यादा चाटे होते हैं उनकी शादी में बारिश होती है, तो क्या तूने चाटे थे कढ़ाई? बहुत भाई, बचपन से चाट चाट के तो हैं। शादी किसकी है? शादी तो तेरी तेरी है, तो ठीक है जी, जयपुर पहुँच गए, सामान ले लेते फिर बाहर निकलते हैं। ऑल सेट, चलो रे काय हंस रहे हो, ये क्या सीन है? सलीम सलीम में मिसी हो, सलीम पीछे मुड़ा, याद आ रही है सलीम हमको, इस बार बीएचके में याद आ रही है। तू हमारे को दिख नहीं रहा थोड़ा? नहीं नहीं तू भी नहीं दिख रहा, छत के ऊपर से दिखता है, तू पीछे देख। हाय हाय मेरे दोस्त, हाय 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 मेरे दोस्त, बीच में दीवार आ गई है, दोस्ती में दीवार, ये औरतों के चक्कर में आ गई है सिर्फ। तो फाइनली जाकर हम अपने रूम में पहुंच गए हैं, मौसम खूबसूरत मिला है, थकावट बहुत होगी है यार, लेकिन मुंबई से थोड़ी ज्यादा गर्मी है। हाँ, मुंबई से ज्यादा गर्मी होगी, आप राजस्थान में आए हो वो भी जून जुलाई के महीने में। हाँ। जिस टाइम पे दोनों बहनें इकट्ठी चलती है, यानी कि लू और आंधी, दोनों दोनों बहने, ये हमारे गंगानगर में हम बोलते होते हैं, दोनों बहनें इकट्ठी शुरू हो गई है, यानी कि लू और आंधी चलने लग गई है, तो पर पहुंच गए हैं, ये अच्छी बात है। अच्छी बात तो ये कि पहुंच गए। और जो भी शादी है वो शुरू होगी, ठीक है, तो हम कल के ब्लॉग में ये रिवील करेंगे कि शादी किसकी है। हाँ, इसकी इसकी या इसकी या फिर वो जो सो गई है, ठीक है। तो ये ब्लॉग का इसीलिए एंड करने के लिए खड़े हैं, बस इसके बाद हम क्रैश हो जाएंगे सीधा सीधा क्रैश, ठीक है जी। हम तुझे अपना ख्याल रखो, असी का अपना ख्याल रखा, चंगा फिर, रब रखा जी, रब रखा जी, बाय बाय।